तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी सैंपल वीडियो को काइनमास्टर में ले आना है। उसके बाद ऐसी आपको कुछ वीडियो तैयार कर लेनी है। तो अभी हम इसके ऊपर इफेक्ट लगाएंगे जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमने ये ले लिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसको कैसे कैसे करना है आप पहले देख लीजिए। पहले हम इसको देख लेंगे, इसे हमें कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि हम इन एनिमेशन लगाएंगे, और यहाँ तक बस, हमें इसे ज़्यादा नहीं बस इतना रखना है। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, इसको ले आना नीचे जाकर ब्लेंडिंग में स्क्रीन। ओके, तो अभी या तो आपकी मर्जी है, इसको ऐसे रख सकते हैं आप, ह्यू में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर रखें तो वो आपकी मर्जी है। तो आप कोई भी कलर रख सकते हैं, जैसे मैंने एक पर्पल ले लिया, तो पर्पल में हम इसको ऐसे रखना है, ठीक है। आप ऐसे ओपेसिटी भी इसके कम कर सकते हैं, थोड़ी ग्रेस आ जाती है। क्रॉपिंग मास्क शेप कर दिए सर्कल, और इसको बिल्कुल छोटा करके इसके अंदर लगा देते हैं। चलो रहने दो इसको, इसको ऑफ कर दो। ओके, तो इसको आपको पहले इसकी एनिमेशन वगैरह सेट कर रही हैं। आप इसकी फेदरिंग ज़रूर कर दीजिए। तो इसको आपने ऐसे सेट कर लेना है। तो हमें अभी इसकी एनिमेशन सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रही, इसके बाद ये इसको आपको सेंटर में रखना है, याद रखिएगा। डन। तो अभी इसको आपको जस्ट डुप्लीकेट इसको उठा के यहाँ पर, तो इसको आपके एक बार ही एनिमेशन इसकी चेक कर लेनी है। ओ, इसको आपको स्टार्ट ही यहाँ से करना है। इसको आपको सारी कट करने पड़ेंगी क्योंकि एनिमेशन वो लगी हुई हैं। स्टार्ट। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, इन एनिमेशन फेड इसको थोड़ा फास्ट कर देंगे। डन। तो इसकी एनिमेशंस जो हैं वो लग चुकी हैं। ये थोड़ा जल्दी आ रहा है। इसकी हम मैच कर देते हैं। ओके, इन एनिमेशन इसकी, ये आउट एनिमेशन फेड। तो ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो बन चुकी है, जस्ट डन। तो आप भी अपनी ऐसी सैंपल वीडियो बनाकर इसको इफेक्ट को बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। हाँ, मेरे पास एक और भी लिंक इफ़ेक्ट है, अगर वो मुझे मिल गया ड्राइव में कन्वर्ट हो गया तो मैं आपको वो भी दे दूँगा। आप उसे भी सेम टू सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, पर ये भी अच्छा इफ़ेक्ट है। और याद रखिएगा, एडजस्टमेंट में जाकर वहाँ पर आप इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ब्लू ही पर्पल ही रखना हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा बाय।